क्या आगे आने वाले समय में खेसारी लाल यादव के सबसे बड़े दुश्मन रितेश पांडे और समर सिंह बनकर उभरने वाले हैं, लेकिन इस दौड़ में वो अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन बात अगर रितेश पांडे की और समर सिंह की जाए तो भाई इस वक्त वो खेसारी लाल यादव को जमकर टक्कर दे रहे हैं। वैसे रितेश पांडे ने कभी कुछ खास पसंद नहीं किया खेसारी लाल यादव को। रही बात समर सिंह की तो समर सिंह शुरू से ही खेसारी लाल यादव के फैन रहे हैं। खेसारी के इस कामयाबी को समर सिंह ने शुरू से ही ऑब्जर्व किया है और उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। समर सिंह का कहना है कि जिस जगह से खेसारी लाल यादव उभर कर आए हैं उस जगह से लोग बहुत कम ही उभर कर आते हैं। खैर, हम क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों आगे चलकर खेसारी के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो महज 56 दिनों में 300 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाला भोजपुरी का पहला गाना हेलो कौन बना। जी हाँ, और ये गाना किसने गाया? रितेश ने और स्नेहा उपाध्याय ने। अब भाई रितेश लगातार ऐसे ऐसे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में दे रहे हैं। आगे चलकर रितेश हो सकता है पवन सिंह की गद्दी भी हथिया लें, क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रीवियस में जाएं तो रितेश पांडे के कई बेहतरीन एल्बम हैं जो कि लोगों के जुबान पर है। चाहे वो पीवा से पहले हमार रहलू की बात हो और गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल की बात हो, सभी ने झंडे गाड़े हैं यूट्यूब पे। ये गाना हर शादी महफिल में बजता है और रितेश की आवाज़ का प्लस पॉइंट ये है कि रितेश की आवाज़ इन दोनों यानी कि खेसारी और समर सिंह दोनों से सुरीली है। उनकी आवाज़ का कंपेयर हमेशा पवन सिंह की आवाज़ से किया जाता है, तो भाई इस मामले में रितेश पांडे कहीं ना कहीं आगे चलकर खेसारी के लिए कांटा बन सकते हैं। अब बात समर सिंह की। आप कहेंगे समर सिंह तो अभी उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया है, उन्हें क्यों हम घसीट रहे हैं इस पछड़े में? अरे भाई, हम इस पछड़े में इसलिए घसीट रहे हैं कि भले ही समर सिंह अभी लाइमलाइट में आए हों, करियर तो उन्होंने कब का स्टार्ट कर दिया है। और आपको बता दें कि समर सिंह के कई गाने ऐसे हैं जो कई मिलियन व्यूज़ कुछ ही घंटे में हासिल कर लेते हैं, चाहे वो थ्रेसर वाला गाना हो या फिर हाल ही में आया हुआ उनके कई बेहतरीन गाने जो कि वो धोबी गीत स्टाइल में गाते हैं और ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद किसी ने धोबी गीत को इतना पॉपुलर किया है तो वो कोई और नहीं समर सिंह है। समर सिंह के हर गाने को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब हाल ही में देखिए कई ऐसे स्टेज शो हुए, लगभग 2 ऐसे स्टेज शो की बात कर लें तो जहां समर सिंह और खेसारी लाल यादव ने मिलकर स्टेज शो किया और वहाँ समर सिंह के गानों की ज़्यादा पूछ हुई। तो इसलिए आगे चलकर समर सिंह भी खेसारी लाल यादव को एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं कि रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं या रास्ते का कांटा बन सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि समर सिंह और रितेश पांडे दो ऐसा नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहा है, उभर रहा है, जो खेसारी के लिए आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि हम इसमें पवन सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहे? भाई पवन सिंह की क्वालिटी थोड़ी अलग है, इसलिए पवन सिंह का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।